नीमराना आदर्श रंगमंच कला रामलीला कमेटी के प्रांगण में हरियाणा प्रथम गोकुल धाम चिकित्सा महातीर्थ झज्जर से आए संस्थापक महंत सुनील नीमराना, जिसमें नीमराना के आसपास के क्षेत्र में कोई चिकित्सालय नहीं होने पर एक नीमराना में एक भव्य गौर चिकित्सालय के निर्माण एवं रामलीला प्रांगण में 10 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन करने पर विचार विमर्श किया, जिसमें 1100 महिलाओं द्वारा और कलश यात्रा एवं अन्य व्यवस्थाओं के कार्यक्रम के लिए विचार किया। महंत सुनील नीमराना ने बताया कि बीमार घायल गोवंशों एवं अन्य पशु पक्षियों का संस्था उचित इलाज कराने की संपूर्ण व्यवस्था पिछले 22 वर्षों से करती आ रही है। हमारे देश में गोवंशों की बुरी दशा हो रही है, राजस्थान में सबसे ज्यादा गौ तस्करी हो रही है। राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर गौ सेवा आयोग गठन कर गौ हत्या पर कड़े कानून की व्यवस्था करने पर जोर दिया जाने की जरूरत है। इस उपलक्ष्य पर गोकुल गौ चिकित्सा महातीर्थ के संस्थापक का स्वागत सम्मान पूर्व शिक्षक भीम सिंह सोनी ने फूलमाला एवं श्री राम के पट का पहना करके किया गया। इस उपलक्ष्य पर आदर्श रंगमंच कला रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति सदस्य एवं गौ सेवा संगठन अध्यक्ष गुलशन भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज, सुनील मुतकर, युवा भाजपा नेता चेतन सिंह चौहान, समाज सेवी अजीत जोशी, महेश योगी, महिपाल सैनी, गौ सेवक अजय भारद्वाज, गौ सेवक राकेश गुर्जर, सुल्तान रायका, मुकेश राव, रामलीला कमेटी के प्रकाश जहांगीर, आदित्य भारद्वाज एवं बहुत से गौ सेवक मौजूद रहे।